गढ़ा पुलिस ने क्षेत्र में आतंक मचाने वाली गैंग के एक सदस्य को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह हथियार लेकर वारदात करने की फिराक में खड़ा था। पूरे मामले की जानकारी देते हुए गढ़ा थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर कोमल सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गढ़ा थाना क्षेत्र में एक युवक हथियार लेकर घूम रहा है, संभवतः वे किसी वारदात को अंजाम देने की तलाश में है। मौके पर पहुंची पुलिस को देखते ही आरोपी युवक वहां से भागने लगा, जिस पर पुलिस के जवानों ने उसे दबोच लिया और जब तलाशी ली गई उसके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया। पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में अपने पास कोई औजार छुपा कर मेडिकल के पास घूम रहा है। इसकी सूचना पर पुलिस स्टाफ द्वारा घेराबंदी की जाकर और उसको पकड़ा गया और तलाशी ली गई तो उसके पास से एक देसी पिस्टल व उसमें रखे गए दो कारतूस पाए गए हैं, जो उसके कब्जे से पिस्टल एवं कारतूस जब्त किए जाकर उसके विरुद्ध 25-27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया है और गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय पेश किया गया है। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसका पूर्व के भी आपराधिक रिकॉर्ड है और उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है।